पुलिस के साथ एनकाउंटर में डकैत गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी है। ग्वालियर के घाटी गांव के जंगल में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने किया एनकाउंटर। डकैत गुड्डा गुर्जर ने मुरैना और श्योपुर जिले में अनेक वारदातों को अंजाम दिया है। उस पर अभी 60,000 रुपए का इनाम रखा गया है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिदेशक ग्वालियर जोन डी श्रीनिवास वर्मा ने मीडिया को पूरी जानकारी दी। 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना और श्योपुर जिले में आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को लेकर वीसी में नाराजगी जाहिर की थी। सीएम ने कहा कि दस्यु मुक्त हो चुकी चंबल घाटी में डकैत गिरोह की गतिविधियों से पूरे प्रदेश की छवि बदनाम हो रही है। शुक्रवार को जबकि सीएम मुरैना आ रहे हैं, उससे पहले पुलिस ने यह अहम सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार गुड्डा पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखने का प्रस्ताव भी हाल ही में भेजा गया था। इस पर डकैत पर वर्तमान में 60,000 इनाम है। शॉर्ट एनकाउंटर में ग्वालियर पुलिस के हाथ लगा डकैत गुड्डा गुर्जर 2 दशक से ग्वालियर चंबल के 4 जिलों के जंगलों में दहशत का पर्याय बना हुआ था। गुड्डा गुर्जर ने 21 साल पहले जमीन विवाद में अपने ही गांव के एक युवक की हत्या की और जंगल में कूद गया था। सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 60,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नूराबाद थाना क्षेत्र के लोहगढ़ गांव के निवासी डकैत गुड्डा गुर्जर ने साल 2001 में अपने ही गाँव में पहली हत्या की थी। लोहगढ़ गांव के कुछ लोगों ने जमीनी विवाद में गुड्डा गुर्जर की बहन के साथ मारपीट कर दी थी और जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसी विवाद में गुड्डा ने एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। 4 साल फरार रहे गुड्डा ने साल 2005 में दूसरी हत्या की। इसके बाद गुड्डा ने अपनी गैंग बनाई और लूट डकैती अपहरण की वारदातों को अंजाम देने लगा। जंगलों में चलने वाली पत्थर खदानों से लेकर खिरकाइयों तक से डकैत गुड्डा गुर्जर अवैध वसूली करता था। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले के आधा दर्जन से ज्यादा थानों में गुड्डा गुर्जर पर 31 केस दर्ज हैं। इनमें 20 से ज्यादा केस मुरैना जिले के नूराबाद, बानमोर, सुमावली, पहाड़गढ़, निरार व जौरा थाने में दर्ज हैं। बीते एक साल से डकैत गुड्डा गुर्जर की सक्रियता तब से बढ़ गई थी जब पहाड़गढ़ क्षेत्र की एक नाबालिग से विवाह करने के लिए नाबालिग के चाचा का अपहरण कर लिया था। एक साल में मुरैना पुलिस के साथ डकैत गुड्डा की 8 बार मुठभेड़ हुई, लेकिन हर बार डकैत गुड्डा भाग निकला। हत्या के 2 मामलों में डकैत गुड्डा को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, इसलिए वह पुलिस के हाथ आसानी से नहीं आ पा रहा था। इसी बीच डकैत गुड्डा पर इनाम की राशि 60,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए तक प्रस्ताव सरकार को भेजा था। शाम को थाना भंवरपुरा में गुड्डा गुर्जर पिता दाताराम गुर्जर के साथ पुलिस का एक मुठभेड़ के दौरान गुड्डा गुर्जर को गोली मारी और उसको अस्पताल लाया गया है। उसके साथ 2 या 3 बदमाश भी होने की खबर मिली और वो भागने में सफल हो गए। गुड्डा गुर्जर के 315 का रंगरूली पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। गुड्डा गुर्जर का टोटल इनाम 60,000 रुपये है। एडीजी ग्वालियर की तरफ से 30,000 और एडीजी चंबल की तरफ से 30,000, कुल 60,000 का इनाम है। इसके ऊपर 3 मर्डर और 5 पीड़ितों के साथ कुल लगभग 28 अपराध है और पूरा क्षेत्र में पुलिस ने बहुत। थैंक यू।